हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो सुबह सुबह हनुमान आ गए हैं और इन लोगों को जितना भी खिलाते हैं ये लोग खाते भी हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं ना इसको बर्बाद भी करते हैं। सो गाइस, आज थोड़ा सा ना मूड ऑफ है, और थोड़ा सा मतलब जैसे रात को थोड़ा सा मम्मी के साथ लड़ाई हुई थी, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा ऐसे नॉर्मली छोटी छोटी बातों में ही होता है, तो छोटी बातें बोल के मतलब गंदगी लेके ही थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, आदर्श और कोई बात लेके झगड़ा नहीं होता। जो जैसे मेरे बेटे का ना डस्ट एलर्जी है, इसलिए ना साफ़ सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो जैसे हर रोज़ पोछा झाड़ू ये सब कुछ हर दिन गंदगी साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी कभी भी बाहर जाती है, जैसे बाहर साड़ी वाड़ी पहन के जाती है ना, तो वो साड़ी जैसे देखिए साड़ी को तो हम लोग एकदम ज़मीन पे जैसे एकदम नीचे धूल मिट्टी लग जाता है ना साड़ी पहनते, तो वो साड़ी पहन के ना मुझे बहुत दिक्कत होता है कि वो बाहर का जो पहनावा है वो चेंज करके घर का कुछ भी पहनो, घर पे बेड पे चढ़ने में मुझे दिक्कत होता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो चेंज कर लो और फिर घर का साफ सफाई वाला कपड़ा पर पहनो, तो मेरी मम्मी नहीं सुनती। मेरी मम्मी बाहर का कपड़ा पहनेंगी और वही बेड पे मतलब वही कपड़ा पहन के बेड पे रखेगी, और वो उसी के साथ अच्छा धुला हुआ कपड़ा, जैसे जैसे पहनने का जो साड़ी है उसके नीचे कितना गंदगी होता है, बाहर जैसे रोड में कितना गंदगी रहता है, कोई थूक देता है, कितना कचरा है, कितना गंदगी है, वो मुझे एकदम पसंद नहीं है। और इसी बात को लेके लड़ाई होता है। और मैं जो जैसे डस्ट एलर्जी है ना इसको साफ करते करते ना मेरा दिमाग भी थोड़ा सा सफाई वाला हो गया, और मुझे एकदम जैसे चिढ़ हो गया सब गंदगी से। और इसी बात लेकर इसी को लेकर झगड़ा होता है थोड़ा बहुत गाइस, इसीलिए मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज सिर्फ ये फूल गोभी के साथ मछली बनाऊंगी, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये है कि ज़िंदगी ना बहुत ही जैसे मतलब साफ़ सफाई करते करते मुझे ना आदत हो गई कि गंदगी मुझे एकदम पसंद है, और मेरी माँ मेरी बात सुनती नहीं है, फिर झगड़ा भी करके कि मैं ये करूँगी, मैं गंदगी करूँगी, तो मतलब ऐसे करके झगड़ा करती है। और मुझे भी जब मतलब कितना इंसान बर्दाश्त कर मतलब बोल देती हूँ, मेरा जैसे माँ बाप के बारे में कुछ गंदा संदा नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी पता है जैसा भी है वो माँ बाप होता है, लेकिन कभी कभी मुँह से निकल के आ जाता है। पता है बोलने के लिए तो कोई है भी नहीं, हस्बैंड का तो डेथ हो चुका है और कोई अपना नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, एक छोटा सा बेटा है वो तो छोटा है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बेटे को थोड़ा सा प्यार में जितना दे पाऊँ, क्योंकि एक तो पापा नहीं है और उसे कभी अपने हाथों से हाँ खाना आता है उसे, लेकिन खाते नहीं है, मेरे लाट से मतलब मेरे हाथ से खाते। और मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने मुझे किस उम्र में मेरी मम्मी ने मुझे खिलाया था। तो मम्मी बोलती है कि मैं तो जॉब करती थी तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मम्मी को जब जैसे हाफ डे हो जाता ना उस दिन मम्मी घर पे ना आके मम्मी जाती थी मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ, तीन तीन चार चार दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मतलब जो गर्ल्स जो दोस्त है ना उन लोगों के साथ घूमना फिरना। फिर उसके बाद ना उस टाइम पे बुखार में मैं तप रही हूँ, घर पे मामा के घर में थी तो बुखार में 3 दिन तक बुखार चढ़ा था, किसी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, फिर जाके सरकारी जैसे हॉस्पिटल में जा गई, फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर दिखाया तभी जाके स्वस्थ हुई। तो फिर 3 दिन बाद मम्मी आई। तो यही होता है जैसे कुत्ते का लाइफ होता है ना, कोई कुछ दे तो खा ले, कोई कुछ ना दे। तो मेरी लाइफ ऐसे गई है, छोटी जब थी ना तब से पता नहीं मेरी मम्मी मुझसे इतनी सी प्यार मोहब्बत नाम का कुछ नहीं करती, और मुझे बोलना नहीं है, लेकिन क्या होता है ना जब तकलीफ होता है ना, दिल जब दुखता है ना, तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो कोई बंदा है ये नहीं। तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि माँ ऐसे नहीं होते, मैं तो माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को ना जैसे बच्चा फ़ोन देखते कि मम्मी मुझे खिला दो तो मैं खिला देती हूँ, माँ के पास ही तो लाठ मिलता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी मम्मी ने मुझसे कब प्यार किया, कब मुझे अपने हाथों से खिलाया, मुझे ना सालों साल की बात याद रहता है। पता है गाइस,
मुझे कुछ नहीं याद है। फिर मम्मी मुझे ताना मारती है कि मैंने तुझको चाय बना के दिया, तो खुद चाय पी रहे हैं मुझे चाय। हाँ, शाम को थोड़ा बहुत काम करी थी ना फ़ोन पे, तो ये शॉर्ट वगैरह अपलोड करती हूँ, तो उस टाइम पे मम्मी भी चाय पी रही, तो थोड़ा सा चाय बना के देती है। तो दिन भर में कभी कभी पता है खाना भी बनाती हूँ, फ़ोन पे वीडियो भी अपलोड करती हूँ, दो दो हाथों में दो दो काम करती हूँ। जैसे हम लोगों के घर में तो नौकर चाकर नहीं है, खुद का काम खुद करना पड़ता है, बेटे का देखभाल, उसका सफाई, ये झाड़ू पोछा, तो सब कुछ ही तो करना पड़ता है। फिर जब टाइम मिलता है ना, वो लिफाफा का काम कर लेती हूँ कि 2 मिनट भी मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बैठने का दिन ही नहीं है। जब तक जिंदगी है करते जाएंगे, यही मैं सोचती हूँ। और मुझे तो कभी जैसे वही मामा के घर में जब मतलब रहते थे ना, वहाँ पे तो मम्मी रख के चले जाते थे, जॉब करती थी प्राइवेट एक गारमेंट्स कंपनी में, तो वहाँ पे ना मामा की लड़की लड़के सब अच्छे अच्छे खाना खाते थे, मुझे देख के ना बैठ के अंदर घुसा देते, तो मैं देखती थी। उस टाइम पे ना खाने का बहुत मन करता था कि ये लोग अच्छे अच्छे खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। लेकिन होता है ना, कुत्ते का लाइफ और भिखारी का लाइफ, मेरा लाइफ ऐसा ही था। तो मैंने बहुत किसी का प्यार मुझे नहीं मिला, और उस टाइम पे तो हस्बैंड का भी डेथ हो चुका है। ज़िंदगी जब किसी का ख़राब होता है ना, तो बहुत बुरा होता है, पता है गाइस। और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे का ज़िंदगी मेरी तरह हो। मैं अपने बच्चे का जितना ज़िंदगी जीऊँगी ना, उतना प्यार मैं अपने बच्चे को दे के जाऊँगी, और मैं बोलना नहीं चाहती। और इसीलिए ना मन बहुत ख़राब है, मैं किसके साथ शेयर करूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कॉमेंट शेयर भी कर दीजिए। और माँ बाप होते हैं, माँ बाप जितना भी बुरा हो, माँ बाप ही होता है, उसके बारे में कभी बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन नसीब हर किसी का एक समान नहीं होता। किसी हमारे घर में किराए में रहते हैं माँ बेटी, कितना प्यार है, कितना अपने बेटी से मोहब्बत करते हैं, देख के ना दिल को तकलीफ़ होता है, पता है। तकलीफ मतलब मैं जलती नहीं हूँ, मुझे मेरे दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है कि अपने बेटी से कितना प्यार करते। और मेरी माँ सौतेली माँ नहीं है, खुद की माँ है, खुद ने जन्म दिया है, और जन्म देना भी नहीं चाहती थी मेरी माँ, मुझे पेट में ही मारना चाहती थी। बहुत दवाई दिया, फिर भी पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया लात खाने के लिए जिन दुनिया में, अपने माँ का जैसे बोझ बना के मुझे भेज दिया। तो यही है, तो ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ झेला है, और पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा, अल्लाह जितना तकलीफ़ देगा झेलना पड़ेगा, और यही बात है। तो तकलीफ़ जब होता है, आप लोगों से शेयर करके थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और माँ बाप के बारे में कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब दिल दुखता है, थोड़ा बहुत बोलने से ना दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो इसीलिए बोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलना चाहती। और बोलने के लिए अगर हाँ, जब दिल में कुछ बातें होता है ना, तो बोलने के लिए कोई इंसान ही नहीं है। अगर हस्बैंड को बोलती तो हस्बैंड भी नहीं है, तो उसका तो डेथ ही हो चुका है, तो किसको बोलूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके साथ कभी कभी मैं बोल लेती हूँ, उसे पता नहीं कितना समझ में आता है और कितना नहीं आता है, तो उसे वो अपने ही मतलब खेल में ही मस्त रहते हैं। यही बात है, इसीलिए कोशिश करती हूँ अपने बच्चे का कि मैं जितना दिन मैं जीऊँ अपने बच्चे के लिए जीऊँ, कि अपने बच्चे को कभी मेरी कमी ना महसूस हो, कभी अपने पापा को ना याद करे कमी। माँ का प्यार और पापा का प्यार, दोनों का प्यार ही मुझसे मिले उसको। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे नसीब में मेरे माँ का मेरे मतलब प्यार ही नहीं, मुझे 1% भी नहीं मिला। कभी भी मुझसे कुछ देते नहीं है, दूसरे को हमेशा प्यार करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।